हेलो हाय एंड नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। रिसेंटली मेरे पास वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एनुअल स्कैन के बारे में कुछ बताइए कि हमें कब कराना चाहिए या इसकी कॉस्ट कितनी होती है, क्यों ज़रूरी है, अगर नहीं करवाएंगे तो हमारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एनुअल स्कैन होता है उसे हम लेवल टू के नाम से भी जानते हैं। लेवल टू अगर आपकी डॉक्टर एडवाइस करती है तो इसका मतलब होता है कि आपका एनुअल स्कैन है। सो एनुअल स्कैन जो होता है वो आपके 18वें हफ्ते से लेकर 22वें हफ्ते के बीच में कभी भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकती है, चाहे आप 18th वीक में करवा के आइए या 19 में, 20, 21 एंड 22। मोस्टली जो एनुअल स्कैन और लेवल टू होते हैं वो आपके 19 टू 20 वीक्स में होते हैं, क्योंकि इसी टाइम डॉक्टर की विजिट पड़ती है, क्योंकि फिक्स टाइम तो नहीं होता है ना। क्योंकि इस टाइम पर जब हमारा 4th और 5th मंथ चल रहा होता है तो हमारी मंथ की विजिटिंग चल रही होती है, हर मंथ आपको डॉक्टर के विजिट करनी होती है। तो जब भी आपकी डॉक्टर के विजिट होगी, चाहे वो 18th वीक पर हो या 19th वीक पर हो, आपका एनुअल स्कैन आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस कर देगी। एक और चीज़, अगर आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करती है तो आपको अपने आप से बोलना है कि हमें एनुअल स्कैन करवाना है, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है, क्योंकि इसमें आपके बच्चे की हर एक ऑर्गन के बारे में पता चलता है, हर एक सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे कि किडनी, लंग्स, स्टमक, फिंगर्स, टो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आपके बेबी के बारे में सारी चीज़ें इसमें पता लगती हैं, जैसे कि वेट हो गया, आपके बच्चे की हार्ट बीट कितनी है, आपके बच्चे की पोजीशन कहाँ पे है, प्लेसेंटा कहाँ पे है, तो सारी चीज़ें इस अल्ट्रासाउंड में पता लगती हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नीडफुल है। सो आपको ये अल्ट्रासाउंड कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस एनुअल स्कैन की कॉस्ट कितनी होती है। अब हम बात करते हैं एनुअल स्कैन की कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हर एक स्टेट के हिसाब से, हर एक हॉस्पिटल के हिसाब से, पर हॉस्पिटल के हिसाब से कॉस्ट चेंज होती रहती है। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप छोटे से क्लिनिक से अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो वहाँ बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रहेगी। वहीं अगर एनुअल स्कैन ही आप बड़े हॉस्पिटल या बड़े क्लिनिक से करवाओगे तो कॉस्ट थोड़ी सी हाई रहेगी। सो मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में मैंने अपना एनुअल स्कैन करवाया है, यहीं से मैं बिलोंग करती हूं। सो यहां की जो रेंज है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत हाई भी है, बट जहां से मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया है और जहां से मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया था वहां पे समथिंग 2200 एनुअल स्कैन की कॉस्ट मैंने पे की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं पे 2000 रहेगी, कहीं पे 2500 रहेगी, कहीं पे 3000 और 3500 भी हो सकती है। तो 2000 से लेके 3500 तक की कॉस्ट आपको पे करनी पड़ सकती है, पर क्लिनिक और पर स्टेट, पर लोकेशन के हिसाब से। तो नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ पर आप जाओगे, जैसी जगह पर जाओगे वैसा आपको पे करना होगा, वैसी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इस पर कोई भी दोराए नहीं है। सो एनुअल स्कैन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, जरूर मैं उनका आंसर करूँगी। मिलती हूँ इसी तरीके की यूज़फुल और यूनिक सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।